2.0 के टीजर में छिपे हैं ये पांच रहस्य। 2.0 का टीजर रिलीज हो चुका है और अभी तक बहुत सारे दर्शक ने उसे देख भी लिया होगा। बता दूं कि टीजर तो वाकई काफी शानदार है और टीजर में साफ नजर आ रहा है कि ये फिल्म का VFX एक अलग लेवल का ही देखने को मिलेगा और साथ में टीजर में बहुत कुछ नया भी है। लेकिन टीजर में ये पांच रहस्य जो आपको भी चौंका देगा। सबसे पहला ये सीन, जो टीजर की शुरुआती सीन से होती है, जिनमें टावर पर एक शख्स दिखाई दे रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार है, जो कि ये फिल्मों में एक खतरनाक पक्षी का किरदार निभाने वाले हैं। और इस सीन को बहुत ही कम लोगों ने नोटिस किया होगा। इस सीन से रहस्य खुलने वाला है कि अक्षय कुमार आखिरकार ऐसे क्यों बने और क्यों इंसान से वो बदला ले रहे हैं। दूसरा, सुधांशु पांडे, जो आपने टीजर में तो सुधांशु पांडे को जरूर देखा होगा। बता दूं कि ये फिल्मों में वो सहरा बोहरा का किरदार निभाने वाले हैं, जो कि वो बोहरा के बेटे यानी कि डैनी डेन जोपा के बेटे होंगे। बता दूं कि रॉबर्ट फिल्मों में डैनी डेन जोपा ने बोहरा का किरदार निभाया था, जो कि वो रॉबर्ट में विलन थे, लेकिन 2.0 में उनका बेटा बदला लेने वाला है और उनको टीजर में एक झलक भी दिखाई दे गई है। जब डॉक्टर वसीकरण यानी कि रजनीकांत चिट्टी का नाम लेते हैं, तब उनका फेस पूरा बदल जाता है, यानी कि वो चिट्टी के बारे में पहले ही जानते हैं। तब देखना ये होगा कि ये फिल्मों में अक्षय कुमार या सुधांशु पांडे विलन रहते हैं, क्योंकि वो भी डॉक्टर वसीकरण यानी कि रजनीकांत से उनके पिता का बदला लेने वाले हैं। और तीसरा, चिट्टी का कुकू साउंड, जो आपने टीजर के एंड में ये सीन तो देखा होगा, जिनमें वो कुकू साउंड करते नजर आ रहे हैं और वो डॉक्टर वसीकरण को चिढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि रॉबर्ट फिल्म में चिट्टी को पब्लिक की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन वो बाद में पब्लिक पर ही भारी पड़ता है। तो अब देखना होगा कि ये फिल्म में चिट्टी तो अब देखना होगा कि ये फिल्म में इंसान को बचाने वाले चिट्टी क्या खुद ही इंसान पर भारी पड़ेंगे कि नहीं, अब वो सब फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल टीजर में ये तीन रहस्य हमें देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ये फिल्मों में असली विलन कौन होगा और आपको टीजर में कौन सा सबसे बेस्ट पार्ट लगा, वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज़ पसंद आए तो उसे लाइक करें।